उत्तर प्रदेश के शामली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। दरअसल मामला सदर कोतवाली इलाके के गांव लाख का है, जहां पर पल्ला और विनोद दो किसान खेत से घर जा रहे थे। इसी दौरान गांव के हिस्ट्री शीटर रहे बदमाश विवेक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले एक व्यक्ति को फावले से काटकर हत्या कर दी। वहीं फिर दूसरे व्यक्ति पर ईंटों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। एक के बाद एक डबल मर्डर की घटना को अंजाम देकर जहां बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है, वहीं गांव में दहशत का माहौल है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जहाँ हमारा घेर है भाई का, उसी के बराबर में इसका घर है। अच्छा, ढाई हजार सपड़ा तो वहाँ से आने लग रहा था, बस अचानक हम लग रहा, दोनों भाई थे और इनका पिता जी। अच्छा, उसको धारदार हथियार उसे काट दिया, गोली भी मारी। जब भाई हर गए दूसरे छुड़ाने के लिए, उनके पीछे भी भाग गए, फिर भी हथियार ले रहे थे तो इतना फिर पब्लिक इकट्ठी होगी तो भाग गए वहाँ से। जी, ये है मामला। तो सारा लगभग 9 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति है, उनकी हत्या हो गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस जो है वहां पर पहुंची, सीनियर अधिकारी सारे लोग वहां पहुंचे और उस दौरान यह पता चला कि तीन व्यक्ति जो साथ में बैठे थे और साथ में खा पी रहे थे, उनके बीच कुछ कहा सुनी हो गई और उसी विवाद में फावड़े से मारकर उस एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके बाद पूछताछ में यह भी पता चला कि बाद में एक और विवाद में उसी व्यक्ति जिसने की पहली हत्या की थी, उसने भी ईंट एक और व्यक्ति को मार दी, उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को रात्रि में ही 3 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया गया था और अभी उस पर रात में ही तत्काल पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जा चुकी है और अभी सारी वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। मृतक के भाई का कहना है कि गांव के हिस्ट्री शीटर ने पहले धारदार हथियार से काटकर भाई की हत्या की और फिर सर में गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही जब गांव वाले आए तो तब आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया।